घर में कुछ पुरानी चीजें और उनको इस्तेमाल करके कुछ नया बनाया जाए, हाउस दिस आइडिया? आई थिंक इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। पहचान तो मुझे गई ही होंगी, माय नेम इज़ रितु शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्राफ्टिंग मॉम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा क्राफ्ट, एक ऐसी क्रिएटिव चीज़ जो कि हर कोई हर घर में पसंद करता है और हर कोई बनाना चाहेगा उसको, एंड हर कोई उसको यूज़ करता है। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे डिमांड किए कि मैम कुछ हाउस डेकोरेशन के लिए बनाइए, एंड वन ऑफ देम सेड कि मैम कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाइए। सो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों का ही यूज़ किया जाए, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके कुछ ऐसा न्यू बनाएं जिससे हम हाउस भी डेकोरेट कर सकते हैं और जिसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीमेंट प्लांटर एज वेल एज अ शो पीस ऑल्सो। यू कैन यूज़ दैट एज अ शो पीस और एज अ प्लांटर, आप उसमें प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सीमेंट प्लांटर बनाने के लिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं पुरानी चीज़ें यूज़ करूँगी। ये मैंने, मेरे पास स्टाल मेरा ख़राब हो गया था, वेस्ट, तो मैंने उसको कट किया है, एक पीस लिया है उसका, स्क्वायर पीस। और अगर आपके पास कोई और कपड़े हैं, लाइक पतले कपड़े हैं, लाइक टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, बेडशीट है, एनीथिंग यू कैन टेक जो कि आपकी पुरानी हो चुकी है या फट चुकी है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बेडशीट थी जो कि फट चुकी है, उसके मैंने पीसीज ले लिए। ये दो मैं आपको इसलिए दिखाऊंगी बिकॉज एक मोटा क्लॉथ है और एक थोड़ा पतला है, तो उसकी हम लेयर्स लगाएंगे। सो उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीमेंट का हम एक घोल बनाएंगे। सीमेंट का घोल, अच्छा मैं आपको बता दूं मैंने ग्लव्स क्यों पहने हैं, क्योंकि सीमेंट को हम डायरेक्ट अपने हाथ से टच करेंगे तो हमारे हाथ ख़राब हो जाएंगे और उसमें ड्राइनेस आ सकती है हाथों में, ना क्रैक्स आ सकते हैं स्किन में। सो बी केयरफुल, आप ग्लव्स ज़रूर पहने। सीमेंट का घोल हम बनाते हैं, इसका थोड़ा सा हम रनिंग घोल बनाएंगे। सॉरी, वो थोड़ा सा सीमेंट में से उड़ गया, इट्स ओके, काम करेंगे तो कुछ होगा। चलो घोल बनाए, क्वेस्क क्वेस्क क्वेस्क। अब ये थोड़ा सा थिक है, हम इसको थोड़ा पतला करेंगे। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, सीमेंट का घोल आपका डोसा बैटर जैसा होना चाहिए। डोसा बैटर आई थिंक बनाना आता होगा सबको, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और थिक करते हैं। इट्स रेडी, मैं इसमें अपना हैंड डाल सकती हूँ बिकॉज मैंने ग्लव्स पहने हैं। इसके जो भी लम्स हैं वो मैं हटा देती हूँ, एंड अब मैं लूँगी ये पतला वाला क्लोथ। ये मेरी बेडशीट थी तो मैंने उसको टेयर, फट गई थी, टेयर कर दिया। कपड़े को हम डिप करेंगे इसमें, ये देखो आप अच्छे से उसको डिप करना है ताकि सीमेंट उस पर अच्छे से लग जाए। एंड ये मैंने एक लिया है एम्प्टी बॉक्स हॉर्लिक्स का, देख रहे हैं आप, उसके ऊपर मैं इसको प्लेस करूँगी। और आपकी जो ये लेयर्स आ रही हैं, इसके रिंकल्स आ रही हैं, ये आपका डिज़ाइन बनेगा। वन मोर थिंग, अगर आप इसको एज अ प्लांटर बनाना चाहते हैं क्लोथ को, तो आपको यहाँ सेंटर में एक होल करना पड़ेगा। आप कपड़े के बीच में पहले ही होल कर लीजिए, सो दैट आपका प्लांटर में बिकॉज होल होता है तो वो आपको ईजी रहेगा प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। सो इसके ऊपर मैं लेयर्स लगाऊंगी। ये कपड़ा क्योंकि पतला है, इसकी एक लेयर से कुछ नहीं होगा, इसकी हमें 3 to 4 लेयर्स बनानी पड़ेंगी। ये देखिए, इसको मैं दूसरी साइड से प्लेस कर दूंगी सो दैट इसके जो एजेस हैं वो पूरे पूरा वो प्लेस हो जाए, कवर हो जाए। इसमें ये थोड़ी सी मेसी एक्टिविटी है, इसमें मेस बहुत ज़्यादा होने वाला है, डोंट वरी, बाद में उसको हम क्लीन करेंगे। दो लेयर्स मैं लगा चुकी हूँ, अब मैं ओके, मैंने इस पर 3 लेयर जो है वो लगा दी है। मैं इसका एक वास बनाने वाली हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ, इसका बनेगा एक फ्लावर वास। इसके कॉर्नर्स को मैंने थोड़ा फैला दिया है सो दैट वो ऐसे के ऐसे शेप ले लेंगे एंड वो एक डिज़ाइन बनेगा। एंड अब मैंने थोड़ा सा एक गाढ़ा घोल लिया है सीमेंट का, उसको मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लगाऊंगी सो दैट इसका बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाए, बिकॉज ये कपड़े का बेस है तो थोड़ा सा वो थिन रहेगा। अब मैंने इसके ऊपर सीमेंट लगा दिया है थोड़ा थिक वाला, तो वो बेस उसका स्ट्रांग हो जाएगा।
अब मैं इसको एक साइड में प्लेस कर देती हूँ। इसको बनने में लगेगा टाइम, आप इसको एटलीस्ट 12 आवर्स तो बिल्कुल भी टच ना करें, ये 12 आवर्स तक तो एटलीस्ट ऐसे ही इसको रहने दें, ये अपने आप ये शेप ले लेगा और आपका प्लास्टिक बॉक्स जो है वो भी आराम से निकल जाएगा, आपका हॉर्लिक्स का जो बॉक्स है। तो मैं इसको अभी एक साइड में रखने वाली हूँ। सो मैंने एक कंटेनर लिया है यहाँ पे, ये कंटेनर गंदा इसलिए है बिकॉज मैं इससे सेम एक और बना चुकी हूँ, और अब मैं आपको जो मोटा क्लोथ था मेरा टावल वाला मैं उससे बना के दिखाऊंगी। मोटे क्लोथ की आपको ज़्यादा लेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मोटे क्लोथ की वो सिंगल लेयर भी काफ़ी है। इसका मैं बनाने वाली हूँ जो पीस, वो आपके डाइनिंग टेबल पे सजाने के काम आ सकता है या आपके सेंटर टेबल पे सजाने के काम आ सकता है। ये देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा घोल पतला चाहिए, अदरवाइज़ ये सूख नहीं पा रहा। आपको अच्छे से डिप करना है ताकि वो सीमेंट को अच्छे से पकड़ ले। एंड वेल, मैं आप सबको व्यूवर्स को मैं बता दूँ कि सीमेंट क्राफ्ट दिखने में बहुत ईजी है बट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आई वॉन्ट से कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, करने में मज़ा आता है। मुझे एक्चुअली मड से प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे करने में बहुत मज़ा आता है एंड करने में बहुत मज़ा भी आता है, और उसका जो आउटकम होता है वो आप जब देखेंगे तो बहुत ऑसम लगता है वो। सो अब मैं इसको प्लेस करूँगी, उससे पहले मैं इसके बेस पर सीमेंट लगाऊँगी। पहले जो मैंने वास बनाया आप उस पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, आप पहले सीमेंट लगा सकते हैं बेस पर सो दैट उसका बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाए। ये देखो, यहाँ सीमेंट लग चुका है एंड अब मैं इसको फैला दूँगी इस पर। इसके एजेस जो है मैं अच्छे से ऐसे डिज़ाइन में फैलाऊँगी सो दैट ये ऐसे ही सेट हो जाएंगे। सीमेंट ऊपर से और लगाएंगे, कहीं से भी आपका कपड़े में सीमेंट की कमी नहीं रहनी चाहिए। सीमेंट प्लांटर्स देखने में बहुत इजी हैं और आपने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी, लेकिन बनाने जब लगते हैं तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। सो प्रॉपर गाइडेंस में बनाना, प्रॉपर एक एक स्टेप में बनाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी दिस, दिस इज़ ऑल्सो डन सेम। इसको भी मैं प्लेस करने वाली हूँ सो दैट इसको मैं टच ना करूँ बार बार। ये 12 आवर्स के लिए एटलीस्ट मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ एंड 12 आवर्स के बाद जब उसको निकालूँगी तो ये बहुत ही सुंदर आएगा। अब नाउ व्हाट, मैं आपको इसका आउटकम भी दिखाने वाली हूँ। मैंने सेम बॉक्स से, सेम कंटेनर से मैंने एक ऐसा बनाया है, आई एम गोइंग टू शो यू दैट कि वो कैसा बना है। सो ये देखिए, मैंने ये सेम कंटेनर से बनाया है एंड ये ऐसा निकला है। मैंने इसके बेस पे सीमेंट लगाया था, ये देखिए बेस इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी लास्ट में, वीडियो लास्ट तक देखना, मैं लास्ट में इसको भी पेंट करना बताऊंगी। एंड अब हम एक बनाते हैं प्लास्टिक कंटेनर से, मग एंड कंटेनर से एक और प्लांटर। ओके, सो लेट्स डू दैट। चलिए इसको अभी हम साइड में रख देते हैं, इसको हम बाद में पेंट करेंगे। और अब मैं बनाने वाली हूँ एक मग प्लांटर। मग में बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर आएगा। इसमें बीच में मैंने कार्डबोर्ड रख दिया है सो दैट हम प्लांटर में होल कर सकें उससे। और एक एम्प्टी कंटेनर मैं अब इसमें रखने वाली हूँ, ठीक है, के ऊपर, गत्ते के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर। और ये सीमेंट का घोल जो मैंने बनाया है इसको मैं इसमें पोर करूँगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले आप कंटेनर को आप बाद में रखें, आप पहले पोर कर दें तो अच्छे से इसको सेट करें एंड अब आप अपने कंटेनर को इसमें प्लेस करें। अच्छे से आपको दबाना है, और जो किनारे हैं उनको सेट कर देना है, ठीक है। अब आपका कंटेनर इसके अंदर दबा रहे, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इसमें कुछ भी हेवी चीज़ आपको रखनी है। मैं इसमें पत्थर डाल रही हूँ। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना दैट इट इज़ नॉट सो ईजी, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैंने एक और प्लांटर बनाया था जो कि मेरा टूट गया था और अब मैं उसको ऐसे यूज़ कर रही हूँ, बट ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, बहुत इफ़ेक्टिव। ये देखो, ये सेट हो गया है। सेम इसको हम 12 आवर्स 14 आवर्स तक नहीं टच करेंगे। नाउ सी,
प्लांटर बनाने के तीन स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू कि पहले हम उसको सेट कैसे करेंगे, उसको हम बनाएंगे कैसे, कितना आपको घोल चाहिए, कैसे आपको उसको बनाना है. सेकेंड, प्लांटर को हम निकालेंगे कैसे. तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप आपको जो बताने वाली हूँ वो उसको निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये कंटेनर हम बाहर कैसे निकालेंगे, इस अंदर वाले कंटेनर को और बाहर वाले मग को हम बाहर कैसे निकालेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड स्टेप. ओके ओके, ये मैंने पहले से बना के रखा है और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम निकालेंगे कैसे. ये ऐसे ड्राई नहीं निकलेगा, उसके लिए मुझे चाहिए हॉट वाटर और मैंने पानी को गर्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए. और मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप अंदर वाला जो कंटेनर आप डाल रहे हैं वो आप ऐसा डालें जो अगर आपका स्पॉइल भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है. मैंने ये प्लास्टिक बॉटल ली थी तो प्लास्टिक बॉटल्स बहुत होती हैं घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ये बॉटल स्पॉइल होएगी तो. अब ये बॉटल जैसे ही मेल्ट होएगी ये निकल आएगा बाहर. ये देखिए बॉटल मेल्ट होना शुरू हो गई है एंड अब ये वीडियो हो सकता है आपको मेरी थोड़ी सी लेंदी लगे, बट सीमेंट प्लांटर टेक्स अ लिटिल लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है ये, इसमें टाइम लगता है. अब पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं उसको टच नहीं कर सकती. बच्चे अगर करेंगे तो प्लीज़ बड़ों की गाइडेंस में करना. हियर इट गोज. ये देखिए अब अंदर वाला तो निकल गया, बाहर वाला कैसे, तो मैं इसमें प्लेस कर लेती हूँ. सेम हॉट वाटर इसके ऊपर पॉर करेंगे. एंड आई एम नॉट एबल टू टच इट. वाओ, हाउ्स दिस. मैंने इसमें होल के लिए एक थर्मोकोल डाला था अंदर एंड इट्स वेरी इजी टू मेक. ये देखो इसका होल भी हो गया है, इसमें हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं. चाहे आप इंडोर प्लांट लगाइए चाहे आप आउटडोर प्लांट लगाइए. तो चलिए अब इसको हम पेंटिंग प्रोसेस शुरू करते हैं इसका. अब इसको हम पेंट करेंगे. सो गाइस, पेंट मैंने इसको कर लिया है. आप देखिए मैंने पुराने टाल और कंटेनर से ये जो शो पीस बनाया था ये बहुत ही सुंदर लगा है. मैंने इसको गोल्डन स्प्रे पेंट किया है और आप इसमें इसको आप ड्रेसिंग टेबल पे रख के इसमें अपने नेल पेंट्स रख सकते हैं, आप ज्वेलरी रख सकते हैं, या फिर सेंटर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे इसमें फ्लावर्स या कलरफुल स्टोन्स डाल के रख सकते हैं. और एक जो प्लांटर मैंने आपको निकाल के दिखाया था उसको मैंने ऐसे एक्रेलिक पेंट किया है. ये देखिए ये बहुत सुंदर है. पेंट आप कर सकते हैं अपनी चॉइस का, जो आपको पसंद हो. अगर आपको नहीं भी करना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं. एक मैंने बिग प्लांटर बनाया था, ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है, हैवी भी है. आप इसमें इंडोर आउटडोर कोई भी प्लांट लगाइए. एक ये ब्लू मैंने बहुत पहले बना लिया था एंड वन मोर प्लांटर, ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर. सो गाइज, आपको मेरे मॉडर्न प्लांटर्स कैसे लगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ. प्लांटर्स आप गिफ्ट भी कर सकते हैं. आपको प्लांटर गिफ्ट करने के लिए किसी भी ओकेजन के रिक्वायरमेंट नहीं है. आप ये शो पीस हैंडमेड है, प्लांटर्स हैं, हैंडमेड हैं. हैंडमेड चीज़ों की बात ही कुछ और होती है. आप मनी प्लांट लगा के गिफ्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, वो भी बहुत हैप्पी होंगे. सो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको ये प्लांटर और शो पीस कैसे लगे. ये पुरानी चीज़ों से ही बने हैं. थैंक यू सो मच गाइस, डू टेक केयर. दिस इज़ क्राफ्टिंग मॉम थैंकिंग यू ऑल. थैंक यू.